नीलम आर्ट एंड रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ पोहा बॉल्स। ये इतने क्रिस्पी और यमी हैं कि अगर आपने एक बार बनाए तो आप इन्हें बार बार बनाकर खाएंगे। आप इन्हें चाय, कॉफ़ी किसी के साथ भी इसका मज़ा ले सकते हैं। और इसके साथ में हरा धनिया की चटनी और अगर सॉस हो तो फिर क्या ही कहने। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। इसके लिए हमने कच्चे आलू लिए हैं और उन आलू को अच्छे से धोया है। धोने के बाद आलू में कट लगाकर हम इन्हें उबलने रखेंगे। कट हमने इसलिए लगाया है ताकि आलू जल्दी उबलें, जिससे आपकी गैस भी बचेगी और टाइम भी सेव होगा। यहाँ पर आलू आपके 3 सीटी में उबल जाएंगे। ये देखिए हमारे आलू उबल चुके हैं, लेकिन आप इन्हें तुरंत पानी में से निकाल लीजिए, नहीं तो इसमें पानी भर जाएगा। अब हम आते हैं पोहे की तरफ। हमें एक पोहे को मिक्सर में डालकर उसका पाउडर बनाना है, उसको बारीक पीसना है। देखिए हमारा पोहा बिल्कुल बारीक पीस चुका है। यहाँ हमने ब्रेड ली है, जिसके हमने छोटे छोटे टुकड़े करके उसको एक जार में डाला है। ब्रेड को हमें बारीक करना है, जिसको हम ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं। ये देखिए हमारी ब्रेड कितने अच्छे से बारीक हो गई है। अब बारी आती है चीज़ की। हमने चीज़ लिया है और जैसे कि आप देख रहे हैं चाकू की मदद से हमने उसके ऐसे छोटे छोटे चौकोर टुकड़े किए हैं। ये हमने यहाँ पर अमूल चीज़ यूज़ किया है। आलू को आपको गरम गरम छीलना है। इस तरह से आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आलू जैसे ही उबले आप उन्हें तुरंत पानी में से निकाल लीजिए और आप गरम गरम छीलेंगे तो ये आलू अच्छे से आपके छिल जाएंगे। सारे आलू हमने यहाँ पर छील कर एक बोल में निकाल लिए हैं। अब एक मैशर की मदद से आप आलू को मैश कर लीजिए। अगर ये मैशर आपके पास नहीं है तो आप इसको फॉर्क की मदद से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। आलू को अच्छे से मैश करना, उसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमने आलू को अच्छे से मैश करने के बाद इसमें पोहे का पाउडर डाला है। स्वाद अनुसार आप इसमें नमक मिला लीजिए। मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगी कि जब आप आलू मैश करें तो बहुत अच्छे से मैश होने चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। स्वाद के लिए हमने यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया डाला है। अब इन सबको हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए आप हाथ से इसको मिक्स कर लीजिए, क्योंकि हाथ से जब आप मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ हमने आलू, पोहे का पाउडर, नमक और हरा धनिया पत्ती लिया था और इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसकी एक छोटी बॉल लेकर उसमें इस तरह से थोड़ा सा गड्ढा करेंगे और जो हमने चीज़ के पीसेस काटे थे वो आप इसमें एक बिल्कुल बीच में एक रख कर इसको बहुत ध्यान से अच्छे से बंद कर दीजिए। जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, हमने इसको रख कर यहाँ पर इसको हाथ से एक राउंड शेप दी है, एक बॉल की शेप दी है। और बॉल शेप देने के बाद जो हमारा ब्रेड क्रम्प है हमने उसमें अच्छे से इसको लपेट दिया है। देखिए चारों तरफ से अच्छे से आपको इसको ब्रेड क्रम्प में बॉल को अच्छे से लपेटना है। ये बॉल शेप जो हमने बनाई है बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि इस शेप को देखकर बच्चे इसे एक ही बार कहने से फटाफट से खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अब बारी आती है इनको डीप फ्राई करने की। इसके लिए हमने गैस ऑन करके कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाला है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप किचन में यूज़ करते हैं। तेल आपका अच्छे से गर्म हो जाए इसके लिए हमने डो का एक छोटा सा पीस तेल में डाला है। ये देखिए जब ये इस तरह से अपने आप ऊपर आ जाए इसका मतलब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस हमारी बिल्कुल नॉर्मल है, सिम पर नहीं सेकने हैं, बिल्कुल नॉर्मल गैस पर आपको सेकने हैं। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें 3 से 4 बॉल्स ही एक बार में डालकर तलनी है, ताकि आपको ये अलटने पलटने में और तलने में आसानी रहे, नहीं तो ये फट सकती है और आपको मुश्किल हो सकती है, अंदर की स्टफिंग निकल सकती है। ये देखिए इस तरह से आप एक पलटे की मदद से हल्के हाथ से इनको इस तरह से अलटते पलटते रहिए और ये जब गोल्डन हो जाए तब ये हमारे तैयार हो जाएंगे।
ये देखिए यहाँ पर ये डार्क गोल्डन हो गए हैं। इनको हमने एक बड़ी छलनी में इस तरह से निकाल कर ऑयल निकाला है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे बॉल एकदम तलकर तैयार हो गए, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी हैं। तो हमारे बॉल्स तैयार हैं, आप फटाफट से चाय बना लीजिए, फ्रिज में से चटनी निकाल लीजिए और इनका मज़ा लीजिए। अब इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू, 1 कप पोहा, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 कप चीज़, 1 कप धनिया पत्ती और 3 ब्रेड स्लाइसेस। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप ऐसे ही लाजवाब डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ सीख कर सबको खिलाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।